7 बजे लेट हो रहा है, उठ के बैठ। नींद नहीं हुई क्या? तू जल्दी से चेक कर जाएगा ना। तो अभी कल ही इतनी सारी शॉपिंग कर ली, उसका इतना खर्चा हो गया और ट्रैवल का खर्चा भी है। बट फिकर नॉट, सब मैनेज हो जाएगा। मेरे पास है इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप जिसका नाम है प्रोबो। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट या नॉलेज हो उसी कैटेगरी के क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन यस या नो में दे सकते हो, जैसे कि क्रिकेट, क्रिप्टो, यूट्यूब। रेडी हो गया सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, तो स्कूल जा, हम थोड़ा सा काम से बाहर जा रहे। ठीक है बच्चा? ए बच्चे, अभी तेरी एग्जाम खत्म होने वाली है 5-6 दिन में, फिर हम कहाँ जाएंगे? वाटर पार्क की मजा करेंगे, वहाँ पे जाके वेकेशन मनाएंगे। जा तू स्कूल जा, हम अब तक जाके आ जाएंगे। ठीक है? हाँ। हुए नहीं क्या तुम रेडी? चलो फटाफट रेडी हो जाना, अभी अपने कृष्णा को भी ना ड्रॉप करने का है ना। चलो अभी निकलने का टाइम हो गया है, भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं। आई
करेगा, उसकी नींद नहीं हुई ना इसलिए वो अभी तक सो रहा है। देखो मैंने ना शूज भी नहीं पहने क्योंकि अभी हमको है ना सच में बहुत लेट हो रहा है, तो मैं गाड़ी में ही शूज पहनूंगी। बस मैंने स्किन केयर किया है और लिप बाम लगाया है। तो अभी हम लोग है ना एकदम फास्ट चल रहे, अपनी फ्लाइट तो मिस नहीं होगी ना। नहीं नहीं फास्ट एकदम निकल जाएंगे। मेटल के डब्बे डुब्बे तुम लेके खाना लेके चल रहे। नानी का प्यार होता है पप्पा को। पप्पा को तो नहीं लेना कहो खाना बिना लींबू वींबू काटने के लिए ले लो। प्यार हो पप्पा लींबू थोड़ी ना पिंक बैग लेते। चलो बाय बाबा बाय बाय। तो गाइस हम लोग है ना अभी फटाफट से चेकिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। ये देखो ये रहे हमारे बोर्डिंग पासेस यहाँ से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से मैसूर। और मम्मी भी है ना अपना व्लॉग शूट कर रही है ना मम्मी। और मैं डालूंगी क्या नहीं पता है। यस बिल्कुल मैं एडिट करके दूंगी मम्मी को और मम्मी का चैनल भी बनेगा तो मैं बताऊंगी आप सबको। तेरे मम्मी ने ना घर से टिफिन भर के ले गए हैं। तो क्या हो गया और वहाँ पे टिफिन उन्होंने खोल के चेक करे तो क्या हो गया पापा उसमें। इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्या है मम्मी। हाँ ना एयरपोर्ट के 500 रुपए का एक समोसा खाते हैं आप। हाँ एयरपोर्ट पे 500 रुपए का समोसा चलेगा पापा को है ना। और नानी ने तो वैसे जबरदस्ती दे दिया कि हाँ लेके जाओ ऐसे भूखे मत जाओ खा लेना खाना। अरे तो ऐसा ही निकाल सब हंस के निकाल दे तो मैं गुस्सा होकर निकाल। ये कौन सा प्लेन है ये? अरे पर ये कौन सा प्लेन है चलता ना। हमें क्या पता था कि ये प्लेन से हमारी जर्नी बहुत वास्ट होने वाली है। अब बस आप देखना प्राइवेट जेट है। यस हमारा प्राइवेट जेट। दीपू ने आजकल प्राइवेट जेट से ट्रैवल करना शुरू कर दिया गाइस। ऐसे बोल देना ब्लॉगर गाइस। गाइस गाइस देखो ये है मेरा प्राइवेट जेट। आपके पास है ना मेरा भी बोर्डिंग पास। दीपू उस प्लेन में से दीपू को देख रहे दीदी क्या हाय कर दीदी। पहचान लिया पहचान लिया भाई साहब। गाइस ये प्लेन शुरू होते ही खत्म हो गया। अब हम उड़ान के लिए दीदी रुक जाओ थोड़ा बैठ लेने दो हमको। देखो चलो हम लोग ना टेक ऑफ करने वाले हैं और हमें शायद हमको ये वाली सीट मिल गई है। हम ना पहली बार ऐसे ये पंखे वाले प्लेन में बैठे हैं। बैठे और बड़ा झूले से नीचे आ रहे थे। हाँ वैसे फील हो रहा था और खान और इससे पूरा पैक हो गया।
वैसे पंखे वाले फ्लाइट में कभी नहीं बैठूंगा। पूरा दिमाग खराब हो गया, पंखे वाले फ्लाइट में कभी नहीं बैठना। मेरे कान अभी तक नहीं खुले, पता मेरे को सुनाई नहीं दे रहे थे। वो समझ में नहीं आ रहा, नीचे लैंड हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा फिर ऊपर जा रहा है। और अभी अपनी कनेक्टिंग साइड भी वही है पंखे वाले। सच में गाइस अभी आपको ऐसे लग रहा होगा वीडियो में सब, लेकिन नहीं ऐसे नहीं है। मम्मी वापस वही फ्लाइट है अपनी। देखो हैदराबाद एयरपोर्ट कितना अच्छा है, यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। हाय भैया, हाय, कैसे हो तुम? हाँ लेट हो गया। ये देखो ये है करण भैया, पापा के पार्टनर, हैदराबाद से ज्वाइन किया है। देखो नानी ने जो खाना दिया था वो काम आ रहा है अभी। बहुत भूख लगी है मम्मी, दिखाओ क्या क्या दिया है। रोटी सब्जी दी है, ये रही रोटी और इसमें है सब्जी, और मम्मी है ना प्लेट भी लेकर आई। ये इनके जैसे लोग है जो है ना एयरपोर्ट को भी ना रेलवे स्टेशन बस स्टैंड बना देते। कुछ नहीं होता, खाना ही है गाइस, नानी ने सब्जी भी दी है। अभी कुछ दिन के बाद में ना ऐसे नीचे बैठ के भी खाना खाते हुए लोग मिलेंगे एयरपोर्ट पे। अभी अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि सुबह की जो फ्लाइट होती है ना उसमें हम कुछ भी खा के नहीं निकलते घर से, तो बहुत भूख लगती है। अभी हम लोग चल रहे हैं बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, फिर उसके बाद में फ्लाइट में बैठेंगे और वापस वही सेम फ्लाइट है यार, पंखे वाली वापस है ना, वही पंखे वाली फ्लाइट है। एक नंबर मतलब यही कहना हमारा, अच्छी नहीं है वो फ्लाइट। सबका नहीं बोल सकते, आप मुझे गैस थोड़ा सा एसिड का प्रॉब्लम रहता ना, पित्त नहीं बोलते, तो वो लोगों को ऐसे पंखे वाले फ्लाइट का बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। वापस हमको दिखाई दी वही फिर से बेकार सी पंखे वाली फ्लाइट। चलो चलते हैदराबाद टू मैसूर। तो अभी है ना टेक ऑफ होने वाला है, टेक ऑफ होने के बाद में मम्मी और मैं हम दोनों सो जाएंगे। और हाँ आपको है ना, मैं फ्लाइट का ज्यादा दिखा के बोर नहीं करना चाहती, तो मैं ना सीधा मैसूर पहुँचने के बाद में आपको दिखाऊंगी। ये पंखे वाले ना प्लेन में कभी बैठना नहीं, कभी नहीं बैठना है पंखे वाले प्लेन और भैया की फर्स्ट फ्लाइट थी और वो भी पंखे वाले प्लेन में। वो रिटायर कर दे प्लेन को भाई, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। पंखे से ज्यादा है ना सर ज्यादा घूम जाता। हाँ। पंखा कम स्पीड में घूमता, सर ज्यादा स्पीड में घूमता। मैं सोचा था मैसूर जाके बहुत दबा के खाऊंगा, लेकिन वो प्लेन ने दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तबीयत भी खराब कर दी प्लेन ने। कौन सा शेक है वो तो बताओ मेरे को। कोकम वाला शेक है यहाँ पे, मतलब बहुत पीते हैं, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी है मम्मी, ठीक है बहुत यम लग रहा है। हो गया गाइस हमारा खाना, पापा कुछ लेके दो ना मुझे, ये दो ले 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 ले। उनको हिंदी नहीं आती। हाँ ना, उनको हिंदी नहीं आ रही है, क्या बोलो ना।
ऐसे ये बता दे इतना हो ना तो फिर वो दे देंगे बराबर। आने के लिए तो तुम ये मस्त जेल में कैद हो जाओ, टीवी देखो।